गजब के जो है कला आपको देखने मिलेगा जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आएंगे, ये देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार, आप लोग देख रहे हैं हमारा मितान चैनल। जी हाँ दोस्तों मैं अभी हूँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जिला राजनांदगांव में, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का जो है नज़ारा दिखाऊंगा, कैसा दिखता है, और यहाँ के कुछ कुछ जो है जानकारियाँ भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए ही आते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, संगीत विश्वविद्यालय है ये। तो आप लोगों को घुमाएंगे, और मैं हूँ अभी कैंपस में हूँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के, आप लोग देख सकते हैं, और अच्छे से आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ बताएंगे इनके बारे में जानकारी भी। तो बिल्कुल बने रहिएगा। और ये कृष्ण कुमार पाल है, साथ में आए हैं मेरे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का जो है कैंपस के। तो दोस्तों, जैसे आप लोग आते हैं खैरागढ़ के जो है संगीत विश्वविद्यालय में, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, तो ये जैसे एंट्री है, गेट है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आपको जो है इधर जैसे अंदर आ सकते हैं, और जी देख सकते हैं ये एंट्री जैसे करेंगे तो इस तरह से जो है आपको दिखाई देगा संगीत विश्वविद्यालय। और मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले हमारे बीच में एक भाई है जो कि यहीं पढ़ाई करते हैं, उनके माध्यम से और अच्छे हम लोग जानकारी यहाँ के बारे में ले सकते हैं। तो आप लोगों को अधिक जानकारी और अच्छे से मिल सके, इसके लिए हम भाई से बात करेंगे और सारी बातें जो है ये विश्वविद्यालय के बारे में वो बताएंगे। और ये देखिए एंट्री गेट है ये, और ये देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ भाई से। भाई आपका नाम बताइए सबसे पहले। नमस्कार जी। जी मैं जितेंद्र साहू हूँ, मूर्तिकला विभाग। जी जी, तो इस विश्वविद्यालय के बारे में आप बताइए, जैसे ये देख रहे हैं हम लोग सामने में, यहाँ कौन सा विभाग है यदि बात करें, क्या होता है इस जगह में? ये एक्चुअली ये राजा रानी का मूर्ति है, और ये है हमारा जो प्राचीनतम महल, जहाँ पे वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती जी यहाँ पे रहते थे। जी जी, और उन्हीं ने ये यूनिवर्सिटी को अपने माध्यम से दान किए हैं राजकुमारी इंदिरा के नाम पे। जी जी, तो आइए आप इंदिरा की मूर्ति के पास ले चलिए। जी जी, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग इधर से प्रवेश किए हैं, उधर से भी आ सकते हैं, इसके जो है अलग अलग रास्ते हैं। और ये सामने में जो आप लोग देख रहे हैं इधर रविंद्र बहादुर म्यूज़ियम करके है, तो वहाँ म्यूज़ियम में भी आप लोग जा सकते हैं, जो है प्राचीन जो है अलग अलग प्राचीन मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारे जो है ऐसे जो है देखेंगे जो है प्राचीन चीज़ें जो आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, तो आप लोग वहाँ आके देख सकते हैं। और हम आप लोगों को कैंपस अच्छे तरह से घुमाएंगे और बताएंगे भी, यदि आप लोगों को घूमने का इच्छा हो तो बिल्कुल आ सकते हैं, पढ़ाई करने का मन हो तो उसके बारे में भी भाई बताएंगे कि कैसे टाइप का एडमिशन ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ हम लोग आते हैं, ये देखिए प्राचीन पुराने ज़माने का ये जो है महल, जहाँ राजा लोग रहा करते थे पहले, और बाद में जो है यहाँ जो है संगीत विश्वविद्यालय के लिए दान कर दिए ये अपने राजमहल को। ये देखिए नित्य संकाय शिक्षक कॉलोनी, ये जो है देख रहे हैं यहाँ पास होता है। जी जितेंद्र भाई बताइए, यहाँ जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो किस प्रकार से जो है एडमिशन की प्रक्रिया होती है, कुछ आइडिया? एडमिशन की प्रक्रिया तो सारे जो टीचर्स लोग हैं या सेकेंड कैंपस है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आप आएंगे तो सारे डिपार्टमेंट घूम सकते हैं, और उनके हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी विभाग में, जो नृत्य संकाय है या विजुअल आर्ट है, तो उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आइए और एक बार थोड़ा देखिए कि क्या होता है और कला को समझिए। और ये हमारा नृत्य संकाय है, जहाँ पे सारे प्रकार के डांस होते हैं, जो ओडिसी डांस है, कथक डांस है, और भी बहुत सारे डांस होते हैं। तो इसके बाद आप ले चलते हैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट। जी जी, तो यहाँ जैसे पढ़ने के लिए तो काफ़ी जो है अलग अलग, जैसे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग प्रदेशों से और विदेशों से भी जो है स्टूडेंट्स आते हैं। जी विदेश से स्टूडेंट तो आते हैं, लेकिन अभी क्या है कोरोना काल की वजह से उतना नहीं हो पा रहा कि उन लोग को एंट्री दिया जाए, क्योंकि जब तक कोरोना नॉर्मल ना हो जाता तो शायद असंभव है। जी जी,
यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो है मेरे ख्याल से खेल ग्राउंड है ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये सारे बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया है। और ये एक वो है खैरागढ़ महोत्सव यहाँ पे होता है जी जी। तो यहाँ से वो स्टेज तक पूरा यहाँ से पंडाल बनती है जी। दोस्तों आप लोग जो सामने देख रहे हैं यहाँ जो है खैरागढ़ महोत्सव होता है, ये जो है सामने में, ये जो सामने में पंडाल जो है बनती है। और यहाँ जो है जब खैरागढ़ महोत्सव होता है तो काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ रहती है। और ये है राजकुमारी इंदिरा जी जी, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी दान किए गए हैं जी। हम लोगों को, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंदिरा यानी इंदिरा गांधी समझते हैं, लेकिन राजकुमारी इंदिरा है एक्चुअली में जी जी। जिनको ये लोग इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं जी। ये देखिए इंदिरा बस है। हाँ, इंदिरा ये राजकुमारी की जो राजा है ना उनकी बेटी है, जी बहुत छोटी बेटी है। कम उम्र में जो है इनका जो है देहांत हो गया था, जो है उसी समय संगीत में रुचि थी जी, जी जी बताइए अच्छे से जी। आपका शुभ नाम? सतीश शर्मा जी जी। थोड़ा सा बताइए अच्छे से, ये क्या है जी लड़की? कुछ बीमारी से, कुछ कुछ जो भी से 6 साल की उम्र में एक्सपायर्ड हो गई है। अच्छा, तो राजा उनको इसमें संगीत में रुचि थी, तो राजा जो है उसी की यादगार में इस अपने महल को संगीत विश्वविद्यालय को दे दिए शासन को जी। तब से यह जो है संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा जी के नाम से चल रही है जी जी, राजकुमारी के नाम से जी। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि आखिर इस विश्वविद्यालय का निर्माण किस टाइप से हुआ है। और तो पुराने राज ही महल है जी जी, राजमहल को ही दे दिए हैं। अच्छा, ये राज ही महल है। हाँ हाँ, राजमहल को ही दिए हैं। अच्छा, उस लड़की के यादगार में संगीत के विश्वविद्यालय को। जी देख सकते हैं राजमहल का जो है नज़ारा। और बहुत कम उम्र में जो है इनका जो है देहांत हुआ, 6 साल के मात्र। देखिए स्वर्गीय राजकुमारी इंदिरा आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से दिखाई देते थे, उस उनकी जो है यहाँ प्रतिमा बनाया गया है। और यहाँ इन्हीं की जो है याद में ये विश्वविद्यालय बना है, जहाँ जो है अलग अलग जगहों से जो है लोग आते हैं पढ़ाई के लिए, संगीत की शिक्षा लेने के लिए। और ये देखिए अलग अलग जैसे विभाग आपको देखने मिलेगा, जैसे आप कैंपस में प्रवेश करेंगे तो ग्रंथालय, लोक संगीत एवं कला संकाय, संगीत संकाय, चित्रकला विभाग, गेस्ट हाउस, कला संकाय, अलग अलग। तो आप लोगों को जो है कुछ कुछ जैसे विभाग में लेके जाते हैं। और अभी कोरोना काल जो चल रहा है इस दौरान जो है काफ़ी सारे जो है विभाग बंद है, और तो इस वजह से अंदर जाके हम लोग दिखा नहीं सकते। यहाँ जो है खैरागढ़ महोत्सव होता है। खैरागढ़ महोत्सव मेरे ख्याल से कौन से, मतलब खैरागढ़ महोत्सव कौन से महीने में होता है आप कुछ बताइए? खैरागढ़ महोत्सव जनवरी फरवरी के आसपास होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा एग्ज़ाम रहता है, लेकिन वो जो सेमेस्टर ख़त्म होती है उसी में थोड़ा एक महीना रेस्ट टाइम मिलता है, उसी में स्टार्टिंग में ही खैरागढ़ महोत्सव। कितने दिन का होता है? 3 दिन का जी जी। अच्छा, तो खैरागढ़ महोत्सव में ये देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार के जो है आपको जो है मूर्ति भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ आओगे आप तो अलग अलग प्रकार के जो है आपको जो है नज़ारे देखने को मिलेगा, मूर्ति कला से लेके सब। जब क्लास अगर होती है तो आपको जो है संगीत भी सुनाई देंगे। ये देखिए देखिए, और ये जो है राजकुमारी उषा देवी सिंह लाइब्रेरी करके लिखा है। ये जो है सामने में लाइब्रेरी देख रहे हैं आप, ये लाइब्रेरी है। और ये हम लोग इधर से भी आए हुए हैं और आगे आपको लिए चलेंगे। और ये जो है आप लोग जो सामने में देख रहे हैं, ये जो है लोक संगीत एवं कला संकाय का जो है विभाग है, इधर सामने में आप लोग देख रहे हैं वहाँ। अभी कुछ कुछ जो है स्टूडेंट हैं दिखाई दे रहे हैं, कुछ अभी आ नहीं रहे हैं यदि हम बात करें तो। और आगे में और कुछ कुछ जो है विभाग है आप लोगों को दिखाएंगे, बिल्कुल बने रहिएगा। और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को एशिया का जो है सबसे बड़ा संगीत विश्वविद्यालय दिखा रहे हैं। और तो इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करिए। ये देखिए आप लोग,
देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ मूर्ति देख रहे हैं, और आप लोगों को लाइब्रेरी और अच्छे से दिखाते हैं आप लोगों को, बिल्कुल बने रहिएगा जी जी। ये यहाँ का लाइब्रेरी है जी जी, जिसको हम बोलते हैं ग्रंथालय। यहाँ पे कला से रिलेटेड सारी पुस्तक और सारी नोट्स यहाँ पे उपलब्ध है सारे स्टूडेंट के लिए। अच्छा, तो यहाँ जैसे बाहर के लोग आते हैं तो अंदर जा सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं? लाइब्रेरी में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी के लिए है, और यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं वो सब अपना लाभ ले सकते हैं अपना कला से रिलेटेड जितना भी जो पढ़ना है, इसलिए फिर लाइब्रेरी खोला गया है जी जी। इधर जैसे अपने को पूरा जानकारी चाहिए पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में, तो वेबसाइट में है डिटेल्स? हाँ, वेबसाइट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जी जी। तो बिल्कुल दोस्तों, यदि आप लोगों के iksvv.in ऐसे कुछ करके वेबसाइट है, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जिनको भी एडमिशन लेना है तो एक बार उसमें चेक कीजिए क्या क्या प्रोसेस है, आपको सब सारे वेबसाइट में ही पता चल जाएगा। अच्छा, क्लास की यदि हम बात करें तो क्या क्लास कैसा टाइप का होता है, कितने घंटे का होता है, क्या है कुछ इसके बारे में आइडिया? क्लास का तो कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइमिंग देखा जाए तो 10 बजे से अच्छा 5 बजे तक क्लास होती है, और सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं सबका अलग अलग रूल्स हैं। अच्छा जी जी, ये संगीत है, संगीत संकाय, और यहाँ पे ऊपर जिम भी है यूनिवर्सिटी का। अच्छा, ये देख सकते हैं संगीत का संकाय है, यहाँ संगीत की जो है शिक्षा होती है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए मूर्ति कला विभाग, चित्रकला विभाग भी आपको आगे चल के दिखाएंगे, कुछ कुछ जो है काम चल रहा है यहाँ, इसलिए भी देख सकते हैं, थोड़ा देख रहे होंगे। अभी कोरोना काल के दौरान अभी क्लास कैसा है, चल रहा है कि कैसे है? अभी तो सारे क्लास ऑनलाइन ही चल रहा है, क्योंकि सारे स्टूडेंट को तो आना अलाउ नहीं है। अब दीपावली के बाद शायद ओपन हो सकती है यूनिवर्सिटी जी जी। 1956 में जो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बना था, और उसके बाद से निरंतर अभी धीरे धीरे अदर जो डिपार्टमेंट्स है उसका भी स्थापना हुआ धीरे से। ये देखिए अलग अलग सब आपको जो है यहाँ जो है मूर्ति दिखाई दे रहा होगा, और ये देखिए मूर्ति कला विभाग सामने में है, और ऊपर ग्राफिक्स विभाग। अच्छा, ऊपर में जो है इधर ग्राफिक्स विभाग है, इधर ऊपर में, नीचे में जो है मूर्ति कला विभाग है। तो आप लोगों को जो है दिखाते हैं मूर्ति कला, और कुछ कुछ जो है इसकी बारीकी भी जो है बताएंगे भाई, क्योंकि विभाग इसी विभाग से है भाई। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ये सब अलग अलग मूर्तियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पास, और इस सब मूर्तियों को जो है सभी जो है यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही बनाए हैं। ये देखिए फाइबर के हैं, कुछ कुछ लकड़ी के हैं, और अलग अलग जैसे देखेंगे पत्थर के हैं। ये देखिए सब स्टूडेंट्स ही बनाए हैं, ये देख सकते हैं ऊपर में भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा अलग अलग प्रकार के। ये भाई मॉडल बैठे हुए हैं देखिए, ये है, और गजब के जो है कला आपको देखने मिलेगा जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आएंगे। ये देख सकते हैं कुछ कंप्लीट हो गया है और कुछ और तैयारी चल रहा है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं जी। जितेन भाई बताएंगे इसके बारे में, जितेन भाई बताइए, ये जो मूर्ति कला विभाग से आप हो, आपका वर्क है, आप यहाँ जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छा से इस बारे में बताइए कि कैसे टाइप का जो है बनाया जाता है इसको, और क्या क्या सब प्रोसेस होता है, क्या क्या करना पड़ता है इसके पढ़ने के लिए, इस विभाग में बताइए। इसमें क्या है, जब हम फाइन आर्ट में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेते ही ऐसा नहीं होता कि सारे स्टूडेंट सीखे हुए हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे पहले ड्राइंग में एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, और ड्राइंग में एग्ज़ाम दोगे वहाँ से अगर आपका काम अच्छा है आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद तब फिर एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद फिर एक साल फाउंडेशन कोर्स होता है,
जिसमें एक साल फाउंडेशन कोर्स में मूर्तिकला, पेंटिंग, ग्राफिक्स सारे करना पड़ेगा जी। उसके बाद फिर जो एक साल बीत जाने के बाद जिसमें अगर रुचि रखते हैं स्टूडेंट कि हमको मूर्तिकला लेना है या पेंटिंग लेना है या ग्राफिक्स लेना है, तो अपने हिसाब से फिर चयन करना पड़ता है कि हम मूर्तिकला लेना है तो मूर्तिकला में एडमिशन हो जाएगा, और पेंटिंग में लेना है तो पेंटिंग में हो जाएगा, और ग्राफिक्स में लेना है तो ग्राफिक्स में हो जाएगा। मूर्तिकला जैसे इसमें जो है किसका जो है उपयोग करते हैं बनाने के लिए, जैसे फाइबर, पत्थर, क्या है? मूर्तिकला में तो यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर तो सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि जैसे सबसे पहले तो क्ले में काम करना पड़ता है मिट्टी से, और मिट्टी से मैकेट बनाना पड़ता है, कंपोजिशन करना पड़ता है, और कंपोजिशन के बाद फिर कास्टिंग करना पड़ता है, वो मोल्डिंग करना पड़ता है, कास्टिंग करना पड़ता है, तो ये सारे प्रोसेस करते करते फिर पता चल जाएगा जी। जी जैसे आप ये जो दिखाई दे रहा है इसको कौन बनाया है, इसके बारे में कुछ आइडिया है जो सामने सामने ही रहिए? हाँ जी जी जी, ये मेरा ही वर्क है। अच्छा, ये क्या है, थर्ड ईयर में आने के बाद एक लाइव स्टडी करना पड़ता है। और लाइव स्टडी में ये होता है कि कोई मॉडल बैठा के उसका ड्राइंग करना है या उसका मॉडलिंग करना है, मॉडलिंग करने के बाद फिर इसका भी प्रोसेस होता है कि मोल्ड करे, कास्टिंग करे, तो उस टाइम फिर मोल्डिंग होने के बाद जब कास्टिंग के टाइम अदर मटेरियल्स यूज होता है। अच्छा, कितने दिन जैसे लग जाता है इसको अगर बनाना हम शुरुआत करें तो लगभग ये कितने दिनों में तैयार हुआ होगा? ये तो मेरा तो 9-10 दिन में हो गया था, और स्किल के ऊपर बात होती है, अगर स्टूडेंट का स्किल अच्छा है तो 9-10 दिन में हो जाएगा, किसी का 15 दिन ले लेता है, किसी का 20 दिन ले लेता है, तो आप जितना काम के लिए प्रिपेयर रहेंगे उसके हिसाब से फिर काम होते जाएगा। अच्छा, तो आप लोग जैसे इस विभाग से जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों में भी आप लोगों को जाना पड़ता होगा जैसे इसके जो है माध्यम से जो है, तो ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि जाना पड़ता है, क्योंकि हम स्टडी पीरियड में है ना, तो स्टडी कर रहे हैं, तो फिर स्टडी करने के बाद अगर लगता है कि हाँ हमको ऑर्डर्स आ रहे हैं या फ्रीलांसर आर्टिस्ट बनना है या तो जॉब करना है, तो अपना पर्सनल मैटर होता है। जी जी, आपने जॉब का जिक्र किया है, तो जैसे इस फील्ड में, इस विभाग में अगर आप पढ़ाई करते हो तो जॉब के क्या क्या चाहिए, चांसेस है मिलने का? जॉब इसमें भी है, जैसे फाइन आर्ट में केंद्रीय विद्यालय में है, नवोदय विद्यालय में है, या अदर आर्ट कॉलेज में है, बहुत सारे जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब, लेकिन छत्तीसगढ़ जो शासन है उनको कहीं ना कहीं इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कलाकार को ये नहीं कि यहाँ से पढ़ के निकल जाए तो उनको हर टाइम पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी जो जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें उनको जॉब का वो रखना चाहिए जी, ऑप्शन रहना चाहिए कि स्टूडेंट यहाँ से निकल गए हैं तो उनके पास कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना, कि पैसा आने का माध्यम हो। बिल्कुल, जब पढ़ाई किए हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहता है कि जॉब मिले हमको भी, सरकार इसे और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं क्या जो है बढ़िया जो है कलाकारी हुआ है, और ये देखिए अलग अलग प्रकार के सब जी, बाल्टी वाला ना, जो कबाड़ में जैसे बाल्टी पड़ी रहती है जी जी, उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं या बेच देते हैं, लेकिन उसी कबाड़ में, कबाड़ की जो बाल्टियाँ होती है उसमें हम गमला लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें लगा सकते हैं जिसको फेंकना ना पड़े, और इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकती है। जी जी, तो अलग अलग प्रकार से जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं आप एक संदेश भी देते हैं इसे कला के माध्यम से। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कलाकार ना केवल अपना जो है मूर्ति बनाता है बल्कि एक संदेश भी देते हैं कि हम जो है कैसा जो है एक समाज में संदेश और अच्छा जो है कार्य दिखा सके। ये देखिए जी जी, हम लोग थोड़ा अंदर प्रवेश करते हैं और देखेंगे और भी इनके जो है भाई जितेंद्र साहू जो है इनकी कलाकारी। ये देखिए, ये जो है मूर्ति कला विभाग में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के जो है मूर्ति। ये देखिए, और यहाँ आप जो है ये सब जो है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में ही देख सकते हैं जी। ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, सभी को आप बनाए, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं उसके माध्यम से हम समाज को क्या सकारात्मक सोच दे सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है, क्योंकि कला समाज का दर्पण कहा गया है इसीलिए, क्योंकि जो कलाकार है वो समाज के लिए काम करता है। जी जी जी, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताएंगे जितेंद्र भाई किस
उद्देश्य के साथ ये इसको बनाया गया है। इसके पीछे की जो है बात जो है जितेन भाई बताएंगे। जैसे कि क्या होता है, गांव हो या शहर हो, यहाँ लगभग सारे लोग को दूध की आवश्यकता है, लेकिन सारे लोग क्या चाहते कि गाय पालना नहीं चाहते। और ये जो पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि गाय गौ माता को माता के रूप में पूछते जरूर हैं, लेकिन उनको पालना कोई नहीं चाहता। या देखा जाए शहर में या गांव में, गाय लोग इधर सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनका कोई रक्षा करने वाला कोई उतना ध्यान नहीं देते ना रक्षा करने के। और यही है इसका टाइटल है कि सेव द काऊ। जी जी आप लोग देख सकते हैं काऊ को सेव करने के लिए जो है ये भाई ने जो है बढ़िया ऊपर ग्लोब है और नीचे लकड़ी से बना हुआ थर्मस है जिसमें दूध रखा जाता है। जी जी आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारे जो है सुंदर सुंदर जो है कलाकृति जो है बनाया गया है कल अपने जो है हुनर के माध्यम से जितेन भाई के द्वारा और उनके जो है साथी सब बनाए हुए हैं। ये देखिए सारे स्टूडेंट मिल के ये देखिए बढ़िया जो है बच्चों का जो है सुंदर दिखाया जा रहा है मूर्ति। ये देखिए मिट्टी का कुछ कुछ जो है यहाँ भी बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो है आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगा। आप लोग भी चाहे आप लोग ये ड्राइंग ये देखिए स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आप लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों के मन में भी होगा घूमने के लिए अच्छे से देखें करके, तो बिल्कुल आइए। पढ़ाई करने का मन होगा इस विश्वविद्यालय में तो आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी जो है सभी विभागों को मैं जो है अच्छे से नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ कुछ विभागों में जो है परमिशन नहीं है अंदर जाने का। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जो है मूर्ति कला विभाग को जो है अच्छे तरीके से दिखाया हूँ। अगर आगे और मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों को जो है कैंपस के और भी विभाग को जो है अच्छे तरीके से दिखाऊँगा। ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट का स्कल्पचर गार्डन है। यहाँ पे वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग ये सारे वर्क्स होते हैं और डिस्प्ले भी होता है जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उन लोग का। अच्छा फर्स्ट ईयर का डिस्प्ले के लिए क्योंकि ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होता है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसके लिए फिर ये जगह साफ़ करके फिर यहीं पर डिस्प्ले किया जाता है। जी जी ये देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार के आपको जो है देखने को मिलेगा। देखिए ये जैसे आप लोग देखेंगे ये जो है ये बस्तर आर्ट को लेके है। जैसे बस्तर में क्या होता है ना ये मेरे ही बेच का आशीष मरापी का वर्क है। अच्छा अच्छा बस्तर में क्या होता है गाढ़ा है गाढ़ा बैल है तो उसमें क्या है सब एक साथ भरा के जैसे त्यौहार व्यवहार कराते हैं जी उस टाइम एक साथ हो के गाड़ी में चले जाते हैं अपना उस मेला वगैरह तो उसी का सीन को बनाया। जी जी अलग 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 कल्चर को जो है यहाँ प्रेजेंट किया गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास। और यही जो है आपको जो है इस विश्वविद्यालय में देखने मिलेगा जो यही इसकी जो है एक पहचान है इस विश्वविद्यालय की। देखिए अलग अलग ये देखिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्वरूप में सब जो है मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। मूर्तियाँ जो है जितने जो है सब यहाँ पढ़ने वाले सब बनाते हैं और तैयारी मतलब वो लोग सीखते हैं यही जो है। ये देखिए काफ़ी सारे आपको जो है मूर्तियाँ यहाँ देखने को मिलेगा। आप लोग आएंगे तो आसानी से जो है देख सकते हैं। जी 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 इसके बारे में बताइए जितेन भाई। ये क्या तो क्रिएटिव वर्क है भैया जिसमें हाँ ये जिसका वर्क है वही बता सकते हैं कि वो क्या बनाए क्योंकि क्रिएटिविटी में जो वर्क होता है उसमें ये सस्पेंस रहता है, सस्पेंस क्रिएट होता है कि यार क्या बनाया होगा ऐसे। तो जो कलाकार जो बनाए हैं वो बता सकते हैं कि वो क्या बनाए। जी जी देख सकते हैं वाकई में कलाकार ये इनको क्या बना है बोलोगे ये उगता हुआ सूरज है। अच्छा जो सूरज उगते हैं ना उस टाइम का ये है। जी जी सिंबल है। ये देखिए यहाँ पास गाय को भी बनाए हैं ये देख सकते हैं काफ़ी पुराने पुराने बहुत काफ़ी पुराने भी होंगे कुछ इसमें से बहुत, बहुत बहुत जिस टाइम से ये डिपार्टमेंट जो ओपन हुआ था हाँ। वो तो उस टाइम से बहुत सारे वर्क उस टाइम के भी है लेकिन ऐसा रखे रखे क्या है बहुत सारा वर्क ख़राब भी हो जाते हैं हाँ। तो ख़राब होते रिजेक्ट होने के बाद फिर हटा दिया जाता है। जी जी कई तो ऐसे जो है
टूट तो अभी गया है, कई कई ऐसे जो है मूर्ति सब सारे लाइव स्टडी है। अच्छा लाइव स्टडी तो है, जितने मॉडल बैठे थे ना हाँ हाँ उन्हीं लोग का। अच्छा तो जैसे मॉडल ये लोग सब बैठे थे, इन लोगों को जो है यहाँ बैठाते हैं फिर है नहीं? मॉडल बैठाते हैं, जैसे फंड देती है यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट कि हाँ मॉडल स्टडी करना है, तो हम अपने हिसाब से मॉडल ढूंढ के लाते हैं कि कौन अच्छा है, किसका बॉडी प्रोपोर्शन अच्छा है, तो वो सब देख के फिर मॉडल बैठा के उनका ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद फिर क्ले मॉडलिंग में उनका वर्क पूरा कंप्लीट करते हैं। जी जी, मूर्ति जैसे अपन लाइव बनाते हैं कितना मतलब इसे एक चुनौती मानते हैं इसको जो है बनाने में आप? ऐसा चुनौती तो कुछ नहीं होता है क्योंकि ये होता है मॉडल स्टडी तो करना ही पड़ेगा, थर्ड ईयर में आए हैं, अब थर्ड ईयर में जो सिलेबस में रखा है मॉडल स्टडी, तो मॉडल स्टडी करने है करके उनको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, तो जहाँ पे गलतियाँ होती है तो हमारे टीचर्स रहते हैं कि हाँ यहाँ पे गलत है आप सुधारो। जी जी, तो टीचर लोग भी बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि इस फील्ड में प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल में टीचर की बहुत ज़रूरत होती है। जी 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 बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार के जो है मूर्तियां हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं, और इस विश्वविद्यालय का जो है भ्रमण किए, नज़ारा दिखाए। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कभी इस विश्वविद्यालय को देखे नहीं हैं, और कई जो ऐसे लोग हैं वो देख भी चुके होंगे, तो जो नहीं देखे हैं उन लोगों को तो उन लोगों के लिए काफ़ी जो है वीडियो जो है मायने रखता है। तो वीडियो को मैं अब यही लास्ट करता हूँ दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, और मौका मिलेगा तो फिर अलग अलग विभागों की जो है अच्छे जो है जानकारियाँ और अच्छे से आप लोगों को दिखा पाएंगे। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करते रहिएगा हमारे इस चैनल को, और वीडियो को अब लास्ट करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।